नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। गृह मंत्री अमित शाह 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज करेंगे बैठक। झारखंड से ब्यौरा लेकर दिल्ली पहुंचे अधिकारी। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रही विकास योजनाओं का ब्यौरा लेकर झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, संचार, जनजाति कार्य और वित्त विभाग के केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा के मुद्दे पर यह जानकारी लेंगे कि माओवादी की फंडिंग रोकने पर कितना काम हुआ, साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण पर भी वे जानकारी लेंगे। इसके अलावा नक्सली उग्रवादियों के विरुद्ध राज्यों में चल रहे अभियान, सुरक्षा बलों की उपलब्धता और हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण, खुफिया एजेंसियों के काम की स्थिति के साथ राज्यों के बीच समन्वय और यूनिफाइड कमांड्स पर चर्चा होनी है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण पर भी चर्चा होगी। सीएम ने दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन का लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नई दिल्ली में निर्माण अधीन झारखंड भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली दौरे पर हैं। वह वहां गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गोल मार्केट नई दिल्ली में बन रहे नए झारखंड भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों को इस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश भी दिए। झारखंड में रघुवर दास बोले, झारखंड को विनाश की ओर धकेल रही है हेमंत सरकार। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और पद्मभूषण कड़िया मुंडा का कुशल क्षेम जानने के लिए शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके पैतृक गांव अनिगढ़ा के चंडाडीह पहुंचे। उनके साथ हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी थे। कड़िया मुंडा के आवास पर लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। उम्र के 86 वर्ष में प्रवेश कर चुके कड़िया मुंडा को पूरी तरह स्वस्थ देखकर दोनों नेताओं ने कामना करते हुए यह विश्वास जताया कि वे उम्र का शतक लगाकर एक और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। रघुवर दास ने कहा कि उन्हें यह सूचना मिली है कि कुछ दिन पूर्व पद्म भूषण करिया मुंडा ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। इसी सूचना पर उनका हाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि करिया मुंडा हम सबके अभिभावक हैं। इस दौरान अन्य विषयों पर भी करिया मुंडा और उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। देश में फिर 3 लाख के पार पहुंचे कोरोना के सक्रिय मामले। केरल में आए 16,000 से ज्यादा नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या फिर 3 लाख से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 1280 सक्रिय मामले बढ़े और इनकी संख्या 301,442 हो गई, जो कुल मामलों का 0.9% है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले केरल से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। शनिवार शाम को राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 16,671 नए मामले सामने आए हैं। 120 लोगों की मौत भी हुई और 14,242 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। केरल में अभी 1,65,154 कोरोना के सक्रिय मामले बचे हुए हैं। झारखंड में हजारों सरकारी नौकरियां, 75,000 प्राथमिक शिक्षकों की बंपर बहाली। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में लगभग 75,000 शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए नए पद सृजन के साथ साथ नियुक्ति नियमावली में संशोधन की तैयारी भी चल रही है। जितने पदों पर नियुक्ति होगी उनमें वर्ष 2015-16 में नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पद भी शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यदि इस पर सहमति नहीं बनती है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने से पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बता दें कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी तक महज 2 बार वर्ष 2012 तथा 2016 में हुई है। झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 1500 पदों पर बंपर वैकेंसी। झारखंड की ग्राम पंचायतों में 1 माह के भीतर लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा और निदेशक राजेश्वरी बी ने इस बाबत विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर समेत तकरीबन 1500 पदों पर बहाल की प्रक्रिया पूरी की जानी है। बैठक में विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायतों में 2 अक्टूबर से 21 जनवरी तक चलने वाली पीपल्स प्लान कैंपेन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 15वें वित्त आयोग की राशि को हर हाल में समयबद्ध खर्च करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को आवंटित टाइड अनटाइड फंड की राशि खर्च करने में कोताही ना बरती जाए।
झारखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, गठबंधन में है तो क्या, जरूरत पड़ी तो खड़े होंगे हेमंत सरकार के विरोध में। शनिवार को धनबाद में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित सम्मान से अभिनंदन समारोह में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, आपके बीच का कार्यकर्ता हूं, ना विधायक और ना ही मंत्री, इसलिए आपके हित की बात करूंगा। मुख्यमंत्री से बात हुई है, झारखंड में भी 27% पिछड़ा आरक्षण लागू होगा, इस पर मुख्यमंत्री विचार कर रहा है। जब अलग अलग पार्टी के लोग गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो विरोधाभासी चीजें भी होती है। सरकार हमारी है तो विरोध भी हमारा होगा, नाराजगी भी हमारी होगी और खुशियां भी हमारी होगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 साल से मोदी सरकार है, क्या बदलाव कर दिया? झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार थी, कोई बदलाव नहीं आया। हमारी गठबंधन की सरकार संजीदा है और हर मुद्दे पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री की तरह हमारे मुख्यमंत्री तनाशाह नहीं है। हर चीज का वक्त होता है, सही वक्त पर झारखंड के लोगों को हर सुविधा मिलेगी। जहां जनता की हित की बात होगी तो अगर मुझे अपनी सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़े तो खड़े होंगे। झारखंड पुलिस शिक्षा कल्याण कोष से 2,882 पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मिले 3,55,00,000 रुपये। राज्य के 2,882 पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए झारखंड पुलिस शिक्षा कल्याण कोष से 3,55,00,000 रुपए मिले हैं। आप सबको बता दो कि कुछ दिन पहले पुलिस मुख्यालय में शिक्षा कोष को लेकर हुई बैठक में राज्य भर के पुलिसकर्मियों के बच्चे की उच्च स्तरीय पढ़ाई लिखाई के लिए अनुदान राशि स्वीकृत कर दी गई है। साल 2020 की तुलना में साल 2021 में ज़्यादा पुलिसकर्मियों के बच्चे को झारखंड पुलिस शिक्षा कल्याण कोष से राशि स्वीकृत की गई है। साल 2021 में जहां 2,882 पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,55,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि साल 2020 में 1,538 पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,08,00,000 रुपये स्वीकृत की गई थी। हुनरबाज पुरस्कार से नवाजे गए झारखंड के 9 दिव्यांग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया सम्मानित। झारखंड के 9 दिव्यांग युवाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय के हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया गया था। मौके पर देश के 12 राज्यों से चुनिंदा 66 युवाओं को पुरस्कृत किया गया। बिहार झारखंड के छात्रों के पास रेलवे में नौकरी करने का मौका, इतने पदों पर निकली भर्ती। बिहार और झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर रेलवे ने अप्रेंटिस के 3,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरसी उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू हो गया है। उम्मीदवार के पास 10वीं की डिग्री के साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ₹100 आवेदन फीस देनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला कैंडिडेट के लिए आवेदन निःशुल्क है। सभी उम्मीदवारों के हाई स्कूल और ITI के अंकों को मिलाकर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इस मेरिट सूची में जगह बनाने वाले लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड का जलवा, 7 अभ्यर्थियों ने किया पास। टॉप 10 में धनबाद के इन 2 लोगों ने बनाई जगह। UPSC में कोयलांचल के लाल ने नाम रोशन कर दिया है। धनबाद जिले के झरिया के यश जालुका ने पूरे भारत में 4th स्थान, जबकि धनबाद की बेटी डॉक्टर अपला मिश्रा ने देश भर में 9वीं रैंक लाकर UPSC टॉप 10 में शामिल हो गई। वहीं हजारीबाग के उत्कर्ष कुमार ने 55वां रैंक हासिल की है, जबकि देवघर मधुपुर के शुभम मोहन 196 रैंक पर है। देवघर के ही भावना कुमार ने 376वां रैंक हासिल करने में सफलता हासिल की है। चाईबासा के अभिनव कुमार गुप्ता ने 360वां रैंक हासिल किया है, जबकि राज्य के साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी के रहने वाले दलजीत कुमार को भी 114वां रैंक मिला है। झारखंड में 36,000 होंगे आदर्श गाँव, देश में 720 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे। घाटशिला प्रखंड के मंगलासाई गांव में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश आज आजादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर आदिवासियों के उत्थान के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में 720 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें कक्षा 6 से 12 तक 480 विद्यार्थी पठन पाठन कर सकेंगे। स्कूल परिसर में पढ़ाई के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए 4 मैदान उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा 36,000 गांवों को भी आदर्श गांव बनाने की योजना है। उन्होंने कहा जनजाति मंत्री होने के नाते देश के 10,50,00,000 जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ें और समाज, राज्य तथा देश का नाम रोशन करें।
झारखंड में वेतन नहीं देने वाली बिजली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर होगी कार्रवाई, श्रमिक संघ ने भी दी चेतावनी। बिजली की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत वैसे आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है, जिनके खिलाफ भुगतान लेने के बावजूद अपने कर्मियों को वेतन नहीं देने का आरोप है। ज्यादातर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में इस बाबत शिकायतें मिलने के बाद मुख्यालय ने इस पर विस्तृत जानकारी तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इन्हें काली सूची में डाला जाएगा। जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों की शिकायत मिली है उनका भी पक्ष मांगा गया है। उधर आउटसोर्स कंपनियों का वेतन लंबित किए जाने के खिलाफ कर्मी गोलबंद हो रहे हैं। विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रम संघ ने ऊर्जा विकास निगम को तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बनाया है। चेतावनी दी गई है कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मी काम बंद करेंगे और निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रम संघ की आपात बैठक में अध्यक्ष भानु कुमार ने आरोप लगाया कि ऐसा निगम की मिलीभगत से हो रहा है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।